हेलो नमस्कार दोस्तों, आप अपने चैनल मैथ बेसिक एजुकेशन हब पर देख रहे हैं कुछ नई नई ट्रिक्स। तो आज हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जिसमें कई प्रतियोगी परीक्षाओं में एसएससी हो, रेलवे हो, बीएड हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि कोई भी झुंड है जिसमें चौपाया अर्थात चार पैर वाले और दो पैर वाले जानवर चल रहे होते हैं और उसमें सर मतलब कितने दो पाया हैं और कितने चार पाया वाले हैं उनकी गणना करनी रहती है। उसके लिए हम लोग दो चर रैखिक समीकरण बनाते हैं और उन्हें हल करते हैं जिससे काफ़ी टाइम जाया होता है। आइए उसी के लिए लेके एक आया हूँ नई ट्रिक, बहुत ही गजब की ट्रिक है जिसको आप देखते ही किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत आप बता देंगे। तो आइए आप शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा है किसी भी झुंड में बकरी, गाय, चूहे, कबूतर, चरवाहे आदि की गणना कर। प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न आता है किसी भी झुंड में देखा गया कि 16 पैर हैं, सिरों की संख्या 6 है, तो बताइए वहां पर कितनी भेड़ें हैं और कितने चरवाहे हैं। इसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक हुआ करती है। अगर मैं इसको देखूँ तो आपको कहना पड़ेगा कि इसमें दो आपकी भेड़ें हैं और चार चरवाहे हैं। इसको ठीक उसी प्रकार से इसको देखें तो इसके लिए भी हम गणना करेंगे तो आपको गणना बिल्कुल सही सही मिलेगी कि कितने कि मतलब उसमें 22 जो है आपके चार पैर वाले हैं, बाकी जो बचेंगे आप सबको दो पैर वाले हैं। बहुत आसान सी ट्रिक है। कैसे करते हैं आइए इसको मैं लॉजिक के द्वारा आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने ट्रिक का फार्मूला नीचे लिख रखा है, यहाँ पर एल माइनस टू एच अपॉन टू अर्थात ये मेरी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखिए, जब मैं ये आपके लेफ्ट और ये हेड देता हूँ, ये समय आपको दिया रहेगा, तो लेग आपने देखा 16 लेग है और एच आपके 6, तो निश्चित है कि जो चौपाया होता है उसमें चार पैर और जो जैसे हमारा कबूतर है या चरवाहे उनके दो पैर होते हैं। तो अगर हम चूंकि सर सभी का एक होता है तो अगर मैं इनकी जो हमारे एच हैं हेड है अगर उसको मैं 2 times से गुणा कर दूं और लेग से माइनस कर दूं, देखिएगा तो हो क्या रहा है। आपने देखा कि इसमें से तो जो अगर मैं क्वेश्चन कहूं कि इसमें चरवाहे और भेड़े बतानी है तो आपने क्या देखा कि दो हेड को मैंने गुणा कर दिया, तो इसका मतलब जो चरवाहे थे तो बेचारे निकल ही गए, बाकी बची जो हमारी भेड़े उनकी दो टांगे बची नहीं, एक भेड़ की दो टांगे डिफरेंस आएगा, माइनस कर देंगे। इसका मतलब कितना आया? 16 - 12 बराबर आ गया आपका 4। अर्थात ये चार जो टांगे हैं वो किसकी हैं? भेड़ों की हैं, लेकिन प्रति जानवर के दो बचने से दो से भाग कर देते हैं, दो 2 - 4 यानी दो भेड़े। अर्थात यहाँ पर हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन जैसा भी आपको दिया है उस किसी भी क्वेश्चन में आपको इस ट्रिक का प्रयोग करने का है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन की बात करता हूँ, किसी भी झुंड में 16 पैर और 6 सर देखे गए तो कितनी भेड़े और कितने चरवाहे हैं? आइए सबसे पहले लेकिन सूत्र चौपाया के लिए है। जब चौपाया निकल आएगा, चूंकि सर 6 हैं तो जानवर 6 हो गए, उसमें से चौपाया जितने होंगे निकाल देंगे तो 2 पाया आपके बच जाएंगे। तो आइए इसी की बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं भेड़ों की बात कर लूँ, पहला क्वेश्चन की संख्या क्या मैंने बताया कि आपका एल माइनस टू एच अपॉन, तो देखिए लेग आपके कितने थे? 16 - 2 × 6/2 ये हो गया 16 - 12/2 ये हो गया 4/2 अर्थात भेड़े आपकी 2 हैं तो चरवाहे कितने रहे होंगे टोटल? चूंकि 6 सर हैं तो 6 - 2 = 4 आपका क्वेश्चन हो गया। कोई भी क्वेश्चन आता आप इस तरीके से लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अगर हम बात करें कि कोई एक झुंड है तालाब के किनारे जिसमें 224 पैर देखे गए और 90 सर थे, तो बताना है उस झुंड में कितने कबूतर और कितनी गाय, यानी कबूतर और गाय का एक झुंड है तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें कितनी गाय है। देखिए गायों के लिए हम क्या करेंगे, गायों की संख्या फिर वही एल माइनस टू एच अपॉन टू करेंगे, लेग आपके हैं 2 × 4 - 2 हेड है 9 3/2 ये हो जाएगा 224 - 9 = 18/2। जब आप इसको घटाएंगे 224 में से 180, देखिए आपका ये
चार आ गया और आठ चार बारह अर्थात 44, यानी 44 घंटे दो से आप काट लेंगे, यानी 22 गायें उस झुंड में चल रही है। तो इसका मतलब जो कबूतर है वो कितने हो गए आप तुरंत निकाल लोगे, अब आपका 90 माइनस हो गया 22 घटा लेंगे, ये बचा आपका 8 भाई, और यहाँ आपका बचे 7, यहाँ बच गया आपका 8, 8 में से हो गया 68, यानी आपकी ये गाय, यानी यहाँ पे गाय जो है वो आपकी है 22 और आपके कबूतर जो है वो हो गया 68। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम मिलते हैं अपनी नई ट्रिक के साथ, अगली आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।